आज मुझे एक बहुत अच्छी एनर्जी देखने मिली। ज्यादातर के लोगों में ऐसा होता है कि जैसे 2 मिनट का गाना खत्म होने आता है तब तक बहुत सारे परफॉर्मेंस की हवा निकल जाती है, बट आज मैंने ये चीज देखा कि आपका पहला स्टेप भी 100% था और आपका लास्ट स्टेप 200% था। क्यों? क्योंकि आपका लास्ट स्टेप ऐसा था कि आप वहां से भाग के आए। बहुत सारी ऑडियंस को नहीं पता होगा कि वहां से जहां से वो गए वो इतना दूर वो रास्ता है, यहाँ से आके उतने ही टाइमिंग पे यहाँ पर आए, तो इतना ऑलरेडी बॉडी थका हुआ है एंड इतना भाग के वापस टाइमिंग पे आना, आप कमाल हो यार, कमाल हो। पाँच साल का बच्चा ये चीज़ कर रहा है, ये देख के मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे हिंदुस्तान के या बाहर के जितने भी बच्चे होंगे जो आपको देख के इंस्पायर हो गए कि भाई ये कर सकता है तो सब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम टू द सुपर डांसर मैजिक शो। अरे सर, ये तो हमने देखा है, अपने मैजिक से सुपरस्टार को यहाँ पर लाके दिखाओ। रुको, मैं तुम्हें दिखाता इस मंच का असली सुपरस्टार। Thank you.
पिछली बार हमारे ऊपर भगवान का हाथ था, इस बार क्या होगा? बेटा, इस बार भगवान का हाथ हमारे साथ होगा। कैसा लगा? अरे आपको कैसा लगता है? मुझे कैसा लगना चाहिए? अच्छा। और ना लगे तो? आप डिसाइड कीजिए। बेटा आप ना सच्ची में मैजिशियन हो। थैंक यू सर। और ऋषिकेश देखो आप ना, आपके पास इतना बड़ा चैलेंज है, आई थिंक ये चैलेंज किसी और सुपर गुरु के पास नहीं, आपके पास यू हैव टू वर्क अराउंड हिज लिमिटेशंस। 5 साल का बच्चा है ये, एक 8 साल और 10 साल के बच्चे की तरह नहीं डांस करता है, लेकिन इन सबके बीच में इसको शाइन करवाना, इसके लिमिटेशन के साथ काम करना और मैजिक क्रिएट करना स्टेज में, अमेजिंग ऋषिकेश। आपको भी बहुत थैंक यू सर, बहुत तारीफ के काबिल हो आप। आपको डर नहीं लगा यहाँ से वहाँ कूदते हुए, ऐसे जंप यहाँ से वहाँ सब फेंक रहे थे आपको? नहीं। अच्छा, वेरी गुड। लीवर दूं क्या मैं आपको? हाँ। कर दूं? हाँ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।